खबरें विस्तार से। पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल के दुर्ग में रहने वाले रिश्तेदार पंकज राठी के घर में हुई करोड़ों की चोरी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 किलो सोना, 15 किलो चांदी के जेवर और 6 लाख रुपए नकद बरामद कर लिया है। घटना का मास्टरमाइंड 40 से अधिक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुका है और बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड नागपुर जेल में 12 साल सजा भी काट चुका है। आरोपी दुर्ग जिले की चोरी की 4-5 घटनाओं में भी शामिल रहा है। हम आपको बता दें कि दुर्ग में पूर्व मंत्री व बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल के रिश्तेदार पंकज राठी के घर बीते दिनों करोड़ों रुपए की चोरी की घटना को अज्ञात चोरों ने अंजाम दिया था। चोरी के मामले में दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। करीब 6 दिन पहले हुई इस चोरी में पुलिस ने एक शातिर चोर को गोवा से गिरफ्तार किया है। दुर्ग में चोरी कर आरोपी गोवा में अय्याशी कर रहा था। दुर्ग पुलिस ने इस शातिर चोर को पकड़ने के लिए 5000 किलोमीटर का सफर तय किया और इस चोर को गोवा में चोरी के पैसों से अय्याशी करते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। पुलिस ने इस चोर के पास से करोड़ रुपए का सोना, चांदी के जेवरात समेत नकदी बरामद किया है। हम आपको बताना चाहेंगे, आदर्श नगर दुर्ग निवासी पंकज राठी के घर 6 फरवरी को चोरी हुई थी। पंकज राठी पूर्व मंत्री व भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल के रिश्तेदार बताए गए हैं। वे 5 फरवरी को बृजमोहन अग्रवाल की बेटी की शादी में शामिल होने राजधानी रायपुर गए हुए थे। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद सोमवार की रात को जब वापस लौटे तो अपने घर के दरवाजे का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर जाकर देखा तो अलमारियां भी खुली हुई थी और सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। चेक करने पर अलमारी में रखे 10 लाख रुपए नकद, 3 किलो सोने के जेवर और 15 किलो चांदी के जेवर नहीं मिले। इस मामले में पद्मनापुर चौकी में अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर उन्होंने तलाशी शुरू करवाई थी। दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि आरोपियों से पुलिस ने 100% रिकवरी की है। पुलिस ने 3 किलो सोना, 15 किलो से ज्यादा चांदी और 6 लाख कैश बरामद किया है। बता दें कि चोरी के मास्टर माइंड से दुर्ग व आसपास के क्षेत्र में और भी चोरियों का खुलासा हो सकता है। अनुमान लगाया जा सकता है कि इन चोरों ने लगभग 40 से ज्यादा चोरियां की है और दुर्ग भिलाई में 4-5 चोरियों में इनकी अहम भूमिका भी रही है। दुर्ग पुलिस ने इस शातिर चोर को पकड़ने के लिए 5000 किलोमीटर का सफर तय किया और इस शातिर चोर को गोवा से गिरफ्तार किया। नागपुर खेलते हैं और फिर क्या करते हैं? खेतों पर आते हैं, चोरी थोड़े थे क्या? नहीं, वो तो करते ही रहते हैं। हाँ, वो तो ठीक बोलते हैं। साल में एक बार किया, 25 लाख आ गया। फिर 8 चोरियां जो किए वो दुर्ग में, एक चोरी में कितना मिलता था? करीब कितना नहीं बताए क्यों? बांटना पड़ता है। और गोवा कितना पैसा लेके गया? 1.5 लाख। एक हफ्ते पूर्व पद्मनापुर चौकी क्षेत्र में एक बड़ी चोरी हुई जिसमें 3 किलो सोने के आभूषण, 15 किलो से ज्यादा चांदी के आभूषण और 8 लाख के करीब नकदी की चोरी की बात सामने आई। पुलिस ने इतनी बड़ी चोरी का पता चलते ही एक स्पेशल टीम बनाया जिसमें कि क्राइम ब्रांच के और सिविल टीम के अच्छे लड़के थे। इसमें एडिशनल एसपी संजय ध्रुव और सीएसपी वैभव बैंकर को इसको जो है बनाया गया कि ये लोग इसको लाइटनिंग करें और इसको हर हाल में इसको पकड़ें। 12 क्योंकि चोर के जहाँ चोरी हुई थी वहाँ पर घर के सामने या घर के अंदर कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं था, तो हम आसपास के घरों को देखने लगे। हमें एक सीसीटीवी फुटेज में एक स्कूटी रात में 1:30 बजे जाते हुए दिखी। हमने उस सीसीटीवी को पीछे पूरा 24 घंटे का देखा तो 7 बजे भी एक वही स्कूटी और वही बंदा जाते हुए हमें दिखा, कपड़े उसी कलर के थे। ये पहला हमें शक हुआ। हमने पूरे शहर के सीसीटीवी में उस 7 बजे और 1:30 बजे के आसपास दिखवाना शुरू किया ये सीसीटीवी कहाँ कहाँ जा रही है। तब हमें ये ज्ञात हुआ कि ये लोकेलिटी में जाके घर के सामने जो है के करीब उस लोकेलिटी में आके ये स्कूटी लोकलाइज हुई। हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस ब्यूरो से पता किया तो मालूम चला कि एक व्यक्ति जो है वो चोरी के दिन से गायब चल रहा है। हमने उसका रिकॉर्ड आसपास के जिलों में दिखाया, स्टेट में दिखाया। नागपुर में वैसे ही प्रोफाइल का एक आदमी दिखा जो 2022 फरवरी को जेल से छूटा था, 12 साल जेल में रहने के उपरांत। इसकी जानकारी हमें जैसे ही मिली इसके बाद हमने उसका
जो है मोबाइल से लोकेशन निकालना शुरू किया और लोकेशन मिलते ही हमने जो है मुंबई और गोवा के बीच लोकेशन आया था, स्पेशल टीम यहाँ से रवाना की। गोवा में अंजुना बीच के पास उसको लोकेट किया गया, उसको गिरफ्तार, उसको जो है हिरासत में लिया गया, पूछताछ की गई। तो उसने शुरू में वो टेढ़े में जवाब दे रहा था, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पे उसने बताया कि बड़ौदा बाजार भाटापाड़ा में एक रिलेटिव के यहाँ उसने सोना चांदी मिट्टी में गाड़ के और पैसों को तकिया में रखा हुआ है। तुरंत टीम वहाँ पे भेजी गई और वहाँ से पूरा 3 किलो से ज़्यादा सोने के आभूषण, 15 kg से ज़्यादा चांदी के आभूषण, 6,20,000 कैश रिकवरी किया गया, जिसकी बाजारी कीमत 3 करोड़ से ऊपर की है। पुलिस टीम द्वारा रिकॉर्ड 5 दिनों में जो है इस पूरी चोरी को डिटेक्ट किया गया। इस चोर द्वारा जेल से छूटने के बाद उसका परिवार, जो पत्नी का परिवार दुर्ग शिफ्ट हो गया था, तो ये भी दुर्ग आ गया था। फरवरी 2022 से अभी तक के बीच में इसने 8 से 10 बड़ी चोरियां की हैं, जिसमें 20,000 से लेकर 10 लाख तक की चोरी शामिल है। वो भी चोरी के सामान कहाँ वो गलाता था, कहाँ बेचता था, उसकी पूरी जानकारी उसके द्वारा दी गई है। उसको भी जल्दी ही होनहार के ऊपर कार्रवाई करते हुए सोने को रिकवर किया जाएगा। इस बड़ी चोरी को पकड़ने से आगे आने वाले समय में होने वाली चोरियां रुकी हैं। इसके द्वारा नागपुर एरिया में 41 नामजद अपराध हैं, जिसमें कि 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 395 डकैती, 392 लूट, 326 इंजरी विद ग्रीवियस वेपन, 325 बहुत सारी धाराओं, बर्गलरी, ट्रेसपासिंग, इसके FIR हैं। यहाँ भी 1 साल के अंदर इसके द्वारा 10 चोरियों को अपराध किया गया। इसके पकड़े जाने से चोरी पे लगाम लगेगा, इसको समझाइश दी जाएगी, परिवार वालों को समझाइश दी जा रही है, जिससे कि जेल से छूटने के बाद ये दोबारा चोरी के अपराध में ना घुसे। इस बड़ी कार्रवाई के लिए दुर्ग IG सर आशीष आनंद छाबड़ा सर द्वारा जो है 25,000 रुपये का नगद इनाम जो है घोषित किया गया। शासन को और इनाम के लिए पत्राचार किया जाएगा। दुर्ग पुलिस ने साइंटिफिक, टेक्निकल और मेथोडोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के द्वारा इस चोरी को डिटेक्ट किया है और मैं जनता से भी अपील करूंगा कि अपने घर में और बाहर CCTV लगाएं, जिससे कि वो सुरक्षित रह सके। इस मामले में रिकॉर्ड तोड़ टाइम में ASP संजय ध्रुव, CSP दुर्ग वैभव वैंकर, ACCU प्रभारी संतोष मिश्रा, पद्मनापुर प्रभारी राजीव की टीम ने चोरों को पकड़ा है। दुर्ग रेंज के IG ने दुर्ग पुलिस की सफलता पर उन्हें इनाम देने की भी घोषणा की है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।